सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जेटिक और खुश लग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आज किसी मतलब क्या कहूँ, किसी बहुत ही खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। खास क्यों है वो जब मिलूँगा तब खुद ही समझ जाओगे। ऐसा नहीं है कि खुद ही मिलूँगा, आप लोग भी मिलना। मतलब व्लॉग के थ्रू दिखाता हूँ कौन है वो। जा रहा हूँ फिलहाल मिलने, और आज का व्लॉग उन्हीं के साथ बनाया जाएगा। तो जाते हैं, बाइक निकालता हूँ, तेज़ी से जाता हूँ। तो फ़ोन ले लिया, और यू नो आईफोन यूज़र्स पावर बैंक ले लिया। तो चल भैया चलते, इतना वजन बढ़ गया है कि हिला नहीं जा रहा। चलो फिलहाल जल्दी से निकलते हैं। और भैया अंदर चल जाइए, ज्ञान की बात है। और इससे हमने ये सीखा कि हमें भी कुछ करना है, अपनी माता जी को प्राउड फील कराना है, बहुत कुछ करना है भी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने YouTube दोबारा से शुरू कर दिया है, सपोर्ट करते रह गया बस। ठीक है, नीचे GT स्टार्ट करते हैं। GT में पहले पड़वाएंगे पेट्रोल। और यार ये फिर से कपड़ा जल गया चिपक के, उस दिन मेरा पैर भी जल गया था इतना गर्म। अभी देखो इंशाल्लाह बस कुछ ना कुछ करके YouTube आगे बढ़ा के करते हैं। फिर इसमें कराएंगे कर्री कस्टमाइजेशन, एग्जॉस्ट, ये मड फ्लैप हटवाऊंगा, इसलिए तो घर फ्री में ही हो जाएगा। एग्जॉस्ट लगवाऊंगा, ट्यूनिंग कराऊंगा, यहाँ पे हेडलाइट गार्ड पूरा कवर, और तीन चार चीज़ें और हैं, और एक बढ़िया सा शानदार सा एग्जॉर का हेलमेट भी लेंगे। बस तुम लोग सपोर्ट करते रहो, सब ले लेंगे, इसे भी बदल के कुछ और लेंगे। जल्दी जल्दी मैं MM हॉल के अंदर आ चुका हूँ, और जिससे मिलना है वो MM हॉल के बाहर है। तो अब चलते हैं MM हॉल के बाहर। ए आ गया आ गया आ गया भाई आ गया। तीन कैमरा, तीन दिन के लिए आया हूँ। तीन दिन के लिए क्यों ही आ गया भाई, वापस चला जाए? नहीं, तीन दिन के लिए भी बहुत है, चमन में घूमना और दोस्तों के साथ रंगरलिया बनाना। क्या मना ना? तो पता है ना फैमिली व्लॉग है। कोई नहीं, मैंने फैमिली अंडरस्टैंड कर दी है, दैट वी आर स्ट्रेट। ये ठीक है। बैठ, अब क्या प्लान है? अब तुम्हें यहाँ से ले जाके बैंगलोर छोड़ना है भाई। अबे वो नहीं, अभी का क्या प्लान है? अच्छा, अभी का प्लान क्या है कि अभी आप मुझे पार्टी देंगे एडमिशन की। हाँ, और ये कब हुआ? अभी हुआ। चलो ठीक है भाई, तेल फूका है मैंने तो। पार्टी ठीक है, पार्टी देंगे और अभी फैकल्टी जाएंगे हम। चलो, तो अभी हम डिपार्टमेंट से आए, इंग्लिश डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमने 3 साल ग्रेजुएशन के निकाले हैं। और हाँ, तो अभी लग रहा है कि काफ़ी कुछ छूट गया है पीछे हमारे, और छूटने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ छूटी है वो है हमारी दोस्ती, हमारे दोस्त। अब वही बात है ना कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी और शहर चले जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि दोस्त ज़रूरी हैं लेकिन पुराने वाले ही सही, और आप नए दोस्ती के काबिल नहीं बनते बसते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कैनेडी अपने, जहाँ पे कैनेडी में तो परफॉर्म करते हैं, और जो कैनेडी चलाते हैं ये हैं, ये है हमारे सेट डिजाइनर साहब जो सेट बना दिया। लोग कहते हैं कि ईटे का बना है क्या? थर्माकोल का बना था। तो गए कैनेडी की तरफ, मैं आपको कैनेडी, ये है हमारा कैनेडी हॉल, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्हीं के नाम पे था। जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से मैं शुरू हुआ। ये हमारा ग्रीन रूम है बॉयज का, जहाँ पे बॉयज तैयार होते हैं, यहाँ पे हम नाचते थे, ये हम नाचते थे। ये है VIP लॉन्ज, जहाँ पे VIP मेंबर जैसे कि हम बैठते थे उधर सामने वाली, और यहाँ पे हमारे सर सैयद साहब बैठते थे। और ये है गर्ल्स ग्रीन रूम, और हम सीधे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। अभी एक बड़ा स्टेज है, यहाँ पे हम चाय बनाते थे, खाना खाते थे, शेयर करते थे, और तारिक भाई खाना छुपाते थे। और ये आ गया, क्या स्मेल है भाई यार। भाई स्मेल, ये है हमारे स्टेज। ओफो, अभी याद आ रहा है, पता है क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है भाई? यही याद आ रहा है, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला होता था यहीं पे खड़ा होके, अबे दो वॉलंटियर उधर भेजो, दो वॉलंटियर उधर भेजो, उधर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम नीचे जाओ, तुम गेट बंद करो। अब मुझे क्या याद आ रहा है मैं बताता हूँ, तुम रिकॉर्ड करो। अच्छा ये याद आ रहा है? यार रोने का मन करता है लेकिन लगता है कि यार कैसे होता है भाई, होता है। इस जगह से भाई जितनी यादें जुड़ी है ना, पूरे कैंपस में कहीं से नहीं जुड़ी भाई। चला भाई चलते हैं, कोई नहीं
एक जगह पे वैसे भी कितना देर रुक सकता है इंसान, जो बात है तो पढ़ना ही पड़ता है, जो बात है। तो अभी हम जाएंगे अपने पुराने हॉल सरसिया नॉर्थ हॉल जहाँ पे मैं रहता था, मतलब इनके क्या है ये तो घर वाले हैं अपने वहाँ पे हमें अपने फ्रेंड से मिलेंगे, मैं अपना पुराना रूम देख लूँगा और बस चलते हैं। तो यार यहाँ से जाने का भी दिल ही नहीं करा, अच्छी स्मेल थी ना यार ऐसे, जो बात है वो इस स्टेज की। हम आ गए हैं अपने नॉर्थ हॉल में जहाँ से मतलब सर सैयद साहब के जहाँ से सारे किस्से शुरू हुए थे। 89 के साइड से लेना यार, उधर से। हाँ 89 की साइड, चलो शबाब से मिल, चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो शबाब को। तो यही है कि अब यही सारी चीज़ें हैं, अब हॉल में आ गए तो आवाज़ निकलती नहीं है, लगता है कि ऑफिशियली मेरा ये हॉल अलाउड नहीं था, मैं कहीं और का था, कहीं और रहता था, कहीं और मज़ा आता था, लेकिन फिर भी खाना खाने आ चुके वाजवान, कश्मीरी खाना खाएंगे बिना कश्मीर जाए। A few hours later. बहुत शुक्रिया इतने टेस्टी खाने के लिए, मजा ही आ गया। क्या बताऊं मैं, क्या ऐसा वैसा खिलाता रहता, मैं सोचता नहीं हूँ, खिलाता रहता नहीं हूँ, खिलाया हूँ मजबूरी में मजबूरी में। तो अभी आपको कहाँ ड्रॉप करना है? सी सी, चलिए करता हूँ सी से ड्रॉप, उसके बाद सीधा कोचिंग। A few hours later. बस यही था आज का, मतलब बहुत अच्छा लगा फन भाई से मिलके, एंड आई होप दोबारा फिर ऐसे जल्दी जल्दी मिलते रहें। अभी तो वो बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब अभी नहीं बहुत दूर से, मतलब इतना वो भी नहीं, बैंगलोर में है, अल्लाह उन्हें खूब कामयाबी अता फरमाए। तो यही है कि जल्दी जल्दी मिलते रहें, वो जल्दी जल्दी अलीगढ़ आते रहें। आज भी बहुत इंस्पायर कर गए और डांट के गए हैं कि कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो यूट्यूब पे, नहीं था यार, छोड़ दिया था बीच में थोड़ा सा, कुछ होता है ना डिमोटिवेशन नाम का कुछ, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग मतलब जिन्होंने जी भर के मोटिवेट करा, तो अब ये वापस ऑन ट्रैक हैं, आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। खैर मेन एम तो मोटो व्लॉगिंग है, जो मेन एम है व्लॉगिंग प्लस मोटो, मोटो व्लॉगिंग मेन एम है, उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सपोर्ट करते रहो, अगर ऐसी ही सपोर्ट अच्छे से बना के रखोगे ना तो एक दिन फॉर श्योर पक्का। तो इस व्लॉग को इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मैं जा रहा हूँ बैडमिंटन खेलने, और हाँ आजकल तुम्हारा भाई थोड़ा सेहत पे ध्यान दे रहा है, तो बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।